गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है। अनौनी गांव का एक लड़का किशन उर्फ कृष्णा महाराष्ट्र की दिवा में टो वैन चलाता था, जहां लड़के की दोस्ती अर्चना नाम के एक लड़की से हो जाती है। दोनों के रिश्ते के बीच दोस्ती बढ़ी, जो बाद में प्यार में बदल गई। लड़की का कहना है कि मैं अपने खुद के मर्जी से यहां आई हूं, जबकि मुंबई पुलिस का कहना है कि लड़की के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि लड़की नाबालिग है और इसलिए हम यहां आए हैं, और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। खानपुर थाना के सब इंस्पेक्टर बलवंत महिला सिपाही के साथ उक्त गांव जाकर लड़का और लड़की को अपने साथ ले आए एवं जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब जांच पड़ताल के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी। जी, पूरा नाम बताइए। चल दिनेश राय। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाली हैं? आप मुंबई के। मुंबई के, तो आप मुंबई में रहती हैं, तो आप कहाँ पे फिलहाल में आई हैं? इसमें यहाँ यूपी में अनौनी गांव में। अनौनी गांव में आई हैं, तो आप मुंबई रहती तो अनौनी गांव करने के आप करने आई यहाँ पे? जी, हमारे अपने दोस्त के साथ घूमने आए काशी जगह पर। अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? दिनेश राय। आपके मम्मी का? रेणु देवी। आपका घर कहाँ पड़ता है? गांव में, जिला समस्तीपुर, बिहार में है। अच्छा, बिहार में। मुंबई में कलवा साइड। और आपके और कोई रिश्तेदार? और सब गांव में ही है। आपके मामा और चाचा वगैरह? हाँ, मामा चाचा सब मुंबई में ही रहते हैं। अच्छा, घर पर। तो क्या करना चाहेंगे, कुछ बताइए आप किस बारे में? जैसे आप यहाँ पे जो आई हैं, तो किसके साथ में आई हैं? अपने दोस्त के साथ आई हूँ। क्या नाम है उसका दोस्त का? किशन राजभर। जी, किशन राजभर। अच्छा, वहाँ से मुंबई उसके साथ में। तो क्या आप वहाँ पे जब निकली हैं, तो क्या किसी को बता के निकली हैं? जी नहीं, एक लेटर रख के आए थे, उसका जेरोक्स कॉपी अपने पास है। ये मतलब ये लेटर किस चीज़ का है? ये जब हम घर से निकले थे तो लेके आए, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मेरे मामा मुझे पसंद करते थे, उससे टाइम ले आके हम जा रहे थे, तो इसका ओरिजिनल वहाँ ही पर है, जेरोक्स हम अपने पास लेके आए। तो आपको कौन परेशान करता था? जी मेरे मामा। मामा क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक यादव ना? दीपक राय। क्या नाम है? दीपक राय नाम है। अच्छा, तो क्यों आपको क्या गाली वगैरह देते थे? नहीं, जब उनको पता चल गया था हम दोनों दोस्त हैं, बात करते हैं, उस कारण से मारते थे या बोलते थे उसे नहीं बात करना है। अच्छा, आपको मारते थे? गाली देते थे, मारते थे। और ये जो जिस दोस्त के साथ में आई हैं, आपके कोई रिश्तेदार अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं करने देंगे। जी, कार्रवाई नहीं करने देंगे। कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो आखिर उस बच्चे का जो यहाँ पे दीपक, जिस दीपक लड़के साथ में आई हो, किशन नाम, किशन है, तो उसके साथ में आप यहाँ पे आई हैं, कल को उसके ऊपर कोई आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले नहीं, किसी का दबाव नहीं, कोई अगर केस मुकदमा करता है तो इसकी भी तो जिंदगी खराब हो सकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? केस मुकदमा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आप किसके कहने पे निकले हैं घर छोड़ के? किसी के कहने से नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से आए हैं। और आपके मम्मी वगैरह को आप सूचना दोबारा दी? हाँ, हमारे मम्मी लोग को पता है। कैसे, उनको कैसे मालूम पड़ा कि आप कहाँ पे हो? ओ, पुलिस में कंप्लेन दायर किए थे। तो आप अपने मम्मी से बात की? हाँ, हम अपनी मम्मी से बात। मम्मी क्या कर? गाजीपुर से कैमरामैन शिवाजी के साथ श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट।